आज हम बात करेंगे स्किन एलर्जी के बारे में। फ्रेंड्स, स्किन एलर्जी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यह एलर्जी कई प्रकार की होती है और कुछ तो बहुत सीरियस भी होती हैं। क्या आयुर्वेद में स्किन एलर्जीज के लिए कोई सॉलिड ट्रीटमेंट है? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। वो हैं डॉक्टर चौहान। अ वेरी वॉल वेलकम टू यू ऑल्सो। कैसे थैंक यू वेरी मच। हैं आप? वेरी गुड। व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे स्किन एलर्जीज के बारे में। एलर्जीज से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 01294040404। डॉक्टर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसे स्किन एलर्जी है और उसकी वही स्किन एलर्जी अब काफ़ी गंभीर होती जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो स्किन एलर्जी शब्द जो है, इसको थोड़ा सा और गहराई में समझने के लिए मैं थोड़ा आपको आयुर्वेद में ले आता हूँ। क्योंकि जब आपको बोल दिया जाता है स्किन एलर्जी, तो उसका कोई विशेष अर्थ समझ नहीं आता। और फिर क्या होता है कि आप कुछ टेबलेट लेंगे या कोई क्रीम लगाएंगे और उससे थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, कभी नहीं भी मिलता है। रोग जो है बढ़ता जाता है, गंभीर होता जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी भी रोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर पर जो स्किन के रोग होते हैं वो तो काफ़ी कष्टदायक होते हैं। आपको मालूम है बहुत तकलीफ होती है जब स्किन में एलर्जी होती है, खुजली होती है। आयुर्वेद में अगर हम आएँ तो 18 प्रकार के कुष्ठ रोग यानी त्वचा के रोग या स्किन के रोग 18 टाइप के हैं। सभी के लक्षण अलग अलग हैं। सभी रोग जो हैं उनकी जो पूरी एक संप्राप्ति, उनका निदान, पूर्व रूप, चिकित्सा बहुत अच्छी तरह से वर्णित है। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का स्किन का प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, तो आप आयुर्वेद में जल्दी से जल्दी आ जाइए। क्योंकि आयुर्वेद में बहुत विस्तृत इसका जो है जानकारी भी है और इसकी चिकित्सा भी। थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, जैसा आपने कहा कि लोगों को कई बार मालूम नहीं चलता कि क्या लक्षण है रोग के। त्वचा में आम तौर पर अगर कहीं पर भी आपको किसी तरह की जलन होती है, खारिश होती है, खुजली होती है, या कहीं पर दाने निकल आते हैं, रैशेज जो होते हैं, कभी कभार कुछ चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा में ड्राइनेस हो, रूखापन, या कहीं त्वचा फट जाती है, कई बार आपकी एड़ियां फट जाती हैं, या उसमें कहीं कहीं जैसे स्किन उतरती है, स्केलिंग बोलते हैं उसको, जैसे सोराइसिस के पेशेंट होते हैं, या उसमें रंग उसका बदल जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, कहीं रेडिश हो जाती है, कहीं सफ़ेद हो जाती है, अनेक तरह के पिगमेंटेशन हो जाते हैं। कभी कभी त्वचा में छाले भी पड़ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। तो ये लक्षण यदि आपको त्वचा में हैं तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत जीवा में आप जो है कनेक्ट हो जाइए। और मैं तो उन लोगों से भी कहता हूं कि जैसे ही त्वचा का कोई भी रोग आपको शुरू होता है, आप पहला जो है पहला रुख किधर करेंगे? जीवा की सेहत का नंबर पर आप कांटेक्ट करें, या क्लिनिक है तो वहां कांटेक्ट। क्योंकि जितना पुराना रोग आपका हो जाएगा उतना ही वो और डीप रूटेड चला जाएगा। घबराइए नहीं, बहुत विस्तार से आज बात करने वाले हैं स्किन डिजीज़ के बारे में, स्किन एलर्जी के बारे में, और आपको कुछ अच्छी अच्छी टिप्स भी बताने वाले हैं। तो डॉक्टर, लक्षण तो आपने बता दिए, लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या शुरुआती लक्षण है जी, और वो प्रिवेंट कर पाएंगे। लेकिन प्रिवेंट करने के लिए, दूर रहने के लिए क्या क्या करना होगा उन्हें? देखिए, हमेशा जब प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन के लिए जो है हमें क्या समझना पड़ता है कि रोग का कॉज क्या है। अब देखें, अगर हम सिंपल तरीके से, जितने भी त्वचा के रोग होते हैं, त्वचा हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, पूरे शरीर को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, और हमारी ब्यूटी से भी इसका रिलेशन है। जितनी अच्छी आपकी त्वचा होगी, सुंदरता उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है।
और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप ध्यान से सुनिए ज़रा इसको, कि आपको जो है ये जानना ज़रूरी है कि आपकी त्वचा किस टाइप की है, आपकी प्रकृति क्या है। जैसे आमतौर पर जो है पित्त का जो रोग इसको माना जाता है, तो अगर पित्त का रोग है तो उसमें आपको पित्तवर्धक चीज़ें नहीं खानी है। अगर बचाव की बात करें यहाँ पर, त्वचा की नियमित रूप से आपको देख रेख करनी, स्किन केयर जिसको कहते हैं। स्किन केयर के नाम पर हम केवल जो है केमिकल्स लगाते रहते हैं, चेहरे पर भी त्वचा पर भी बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं। उससे होता क्या है, हमारी जो त्वचा के जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जब वो बंद हो जाएंगे तो टॉक्सिन्स जो है वहीं रुक जाएंगे। पॉल्यूशन से बचना है, सीजन के अनुसार भी स्किन केयर आपको बदलना पड़ता है। सर्दियों में ड्राई हो जाती है स्किन आपकी, तो वहाँ पर लुब्रिकेशन चाहिए, ऑयलिंग चाहिए। और आयुर्वेद के अनुसार तो तेल में, स्किन में हमेशा ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। पित्तवर्धक भोजन मैंने आपको पहले बताया नहीं खाना है, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने, जितना भी हो सके अपनी त्वचा पर नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाइए। जीवा में तो पूरा रेंज है, हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के लिए। आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरा रेंज मिलेगा, ऑनलाइन भी आप जो ऑर्डर कर सकते हैं और हमारी क्लिनिक्स में भी आपको जो है ये प्रोडक्ट सारे अवेलेबल हैं। लेकिन एक ही निवेदन आपसे बार बार मेरा है, त्वचा की देखरेख आयुर्वेदिक तरीके से करनी है और त्वचा के रोगों का इलाज भी आयुर्वेदिक तरीके से ही करना है। डॉक्टर, मेरा एक और सवाल था आपसे कि पेशेंट्स को पता कैसे चलेगा कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक तरीके से हो रहा है? देखिए, इसका एक सरल बिल्कुल आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि यदि आपको जो भी कोई व्यक्ति कोई दवाई दे रहा है स्किन के लिए, पहली चीज़ तो अगर केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन की आपको कोई चीज़ दे दी है कि ये लगा लीजिए, इससे आपके पिंपल्स चले जाएंगे, इससे आपका सोराइसिस चला जाएगा, एक्जिमा ठीक हो जाएगा, तो ऑथेंटिक नहीं है वो। ऑथेंटिक मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल आयुर्वेदिक शब्द बहुत सारी क्रीम्स के आगे लगा दिया गया है, बहुत सारे ऑयल्स के आगे, बस आयुर्वेद ही आयुर्वेद चल रहा है आजकल, आयुर्वेद ही जो है सब जगह आपको दिख रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आपको समझना है कि वो वास्तव में ऑथेंटिक आयुर्वेद है नहीं। दूसरा, अगर इंटरनल मेडिसिन की अगर हम बात करें, इंटरनल मेडिसिन में अगर पहले से ही बना बनाया एक कोई किट रखा हुआ है कि स्किन का किट है ले लीजिए, तो भी आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि आपकी त्वचा किसी दूसरे की त्वचा से अलग है। किसी की सेंसिटिव त्वचा होती है, किसी की जो है ड्राई स्किन होती है, किसी की जो है बहुत रफ होती है, तो सबका अलग अलग है, प्रकृति हमारी अलग अलग है। तो जीवा में तो सभी जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो शास्त्रीय विधि से तैयार होती हैं और आपके प्रकृति के अनुसार, आपके रूट कॉज के अनुसार सारे पैरामीटर्स को हम लोग फॉलो करते हैं। और तीसरी चीज़ और बता दूं आपको, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि कई बार जो है लोग ये समझ में नहीं आता उनको कि स्किन का जब इलाज कर रहे हैं तो उसमें चूर्ण भी खाना पड़ता है। हम लोग चूर्ण भी देते हैं, टेबलेट भी देते हैं, कई बार पीने वाला कोई क्वाथ देते हैं, नीम सिरप हमारा एक बहुत अच्छा है, क्योंकि स्किन के रोग बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हैं, डीप रूटेड होते हैं। तो इसलिए जो है जो भी आपको जो हमारे यहाँ से चिकित्सा मिलती है उसको लें, और अगर कोई ऐसी सुपरफिशियल कोई दे रहा है तो वो ऑथेंटिक नहीं है, उसको बिल्कुल आप समझ लीजिए। और जो हम आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं उसमें आपका रोल ये है कि जो निर्देश, खासतौर से मैं जीवा की बात कर रहा हूँ, वो पूरी आपको पालन करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, एक वीडियो कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। बिल्कुल जी, वीडियो कॉल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जी। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो अब जीवा में, अभी नहीं बहुत समय हो गया है, वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी है। कभी कभार जो है लोगों को ये लगता है कि फ़ोन पर प्रॉपर बात नहीं हो पाती, तो आप वीडियो से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए सर, कनेक्ट करते हैं वीडियो कॉलर से। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम निशा है, मैं नोएडा में रहती हूँ, मेरी उम्र 56 इयर्स है। मेरा सवाल यह है कि मुझे, मेरा मेनोपॉज का समय चल रहा है और मेरे को हीट बहुत रहती है अंदर बॉडी में, तो और इचिंग भी हो जाती है स्किन में, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जो मेनोपॉज है वो एक, हमारी जो महिलाएं हैं उनका एक जो लाइफ का एक नॉर्मल साइकिल का जब अंत होता है, जो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, तो उस समय कुछ विशेष लक्षण होते हैं। इसमें हॉट फ्लशेस भी एक होते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत गर्मी लगती है, तो एक तो गर्म चीज़ मत खाइए। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, जब मेरी बॉडी में आग लगी है तो
तो उसमें पेट्रोल नहीं डालना है, चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी है, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं खानी, हरी मिर्च नहीं खानी, या कोई भी गर्म तासीर वाली चीज़ अगर आप सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं या एग्स खाते हैं जो गर्म करती हैं बॉडी को, वो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। विपरीत लेना है, आयुर्वेद का सिंपल प्रिंसिपल है, इसको रट लीजिए कि जो सिमिलर क्वालिटी वाली जो भी खाने हैं, लाइफस्टाइल है, वो उस दोष को बढ़ाएगा। तो पित्त जो है गर्म है तो गर्म चीज़ें उसको बढ़ाएंगी, उसके विपरीत क्वालिटी वाली जो चीज़ें उसको शांत करेंगी। तो जब गर्मी हो रही है तो कूलिंग चीज़ें लेनी है, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तरबूज खाइए, नारियल पानी पीजिए, सत्तू पी लीजिए, और भी कुछ नहीं मिले तो पानी पिए, कम से कम 2-3 लीटर पानी रोज़ पिए। आंवला बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ आंवला जूस मिलता है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास आंवले की टैबलेट मिलती है, वो आप सेवन कर सकते हैं, ताज़ा आंवला सेवन करिए। और एक चीज़ तो हम बार बार आपको बताते ही हैं कि महिला का जो बेस्ट फ्रेंड है नारी सखी, नारी सखी कैप्सूल आपको लेना है जीवा का, और साथ में शतावरी टैबलेट भी आपको लेनी जी। तो प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज आयुर्वेदा ही है सही आयुर्वेदा। अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट आप करवाइए, और उसको कराने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए आपके नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स में, या फिर कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर, कॉल नाउ ऑन सेहत का नंबर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 01294040404। तो स्किन एलर्जी की समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है, जीवा आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम का क्या क्या उपाय है, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 7042404040 पर कॉल करिए। क्रेडिट कार्ड नहीं है, रिजेक्ट हो गया? पैसा बाजार प्रेजेंट स्टेप अप कार्ड बैक्ड बाय एनएफडी, तो सोचो मत, अपनी क्रेडिट लिमिट खुद तय करो, बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स गेन करो, कार्ड भी एफडी भी। The Meridian, where contrasts come.